सनसनीखेज मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार बच्ची घर के बाहर खेल रही थी, तभी पड़ोस में रहने वाले एक युवक बच्ची को अपने साथ ले गया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। यही नहीं, उसने बच्ची को मारने की भी कोशिश की और बच्ची को मरा समझकर फरार हो गया। वहीं जब परिजनों को पूरे मामले की जानकारी हुई तो उनके होश उड़ गए। आनन-फानन में बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे कानपुर रेफर कर दिया गया। पर खेल रही थी, उसे बहला फुसला के अपने अंदर ले गया। उसके संगे इतना बुरा जलूक करा है कि उसके संगे गंदे काम की है, इतना बुरी तरह करा है जो बच्ची अपने पैरों से खड़ी भी नहीं हो सकती है, ना उसे होश है। और इतना ब्लड जा रहा है और नरेश सोनी है उसका नाम और फरार है। वही मामले की जानकारी होते ही पुलिस परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई है। फिलहाल पुलिस जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी का आश्वासन दे रही है, लेकिन 7 साल की बच्ची के साथ हुई दुष्कर्म की वारदात से एक बार फिर समाज को शर्मसार होना पड़ा है।